सब चीजों के बारे में ना आपको बहुत हायर नॉलेज इसमें सिखाया जाता है। मैं आपको इसके लिए इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई बिलीव जो हम बेसिक से लेकर अभी तक आए हैं वी हैव कवर्ड द बेसिक एंड दीज आर द हायर नॉलेजेस। हमें भी ये सब नॉलेज बहुत हायर लेवल्स पे आकर मिली है बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद यू सो दैट यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। देखिए क्या होता है कि अभी आपको जितना समझ आ रहा है ना उतना आप समझिए, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इन लाइन्स का मतलब भी आपके लिए चेंज हो जाएगा। यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। बट हैविंग दिस नॉलेज विद यू विल रियली मेक यू रिलेट योर थिंग्स विद अदर थिंग्स, मतलब आपको समझ आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, हाउ एनर्जी इज वर्किंग विद अस। नाउ अबाउट द कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी इज द लेयर ऑफ द एनर्जी बियॉन्ड द हायर मेंटल बॉडी। हायर मेंटल बॉडी हमारी कहाँ थी, हार्ट चक्रा पे थी, ठीक है। हार्ट चक्रा से जो अबव आएगा नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द कॉजल बॉडी। आप ये वाली साइड देखिए, सी दिस स्लाइड। सोलर प्लेक्सस से नीचे सारा फिजिकल प्लेन होता है, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, है ना। सबसे पहले फिजिकल बॉडी होती है, फिर एथरिक, फिर इमोशनल, फिर मेंटल बॉडी आती है। एस्ट्रल बॉडी, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमारे हार्ट चक्रा से शुरू हो जाती है। एस्ट्रल बॉडी इट इज दैट लेयर ऑफ द बॉडी विच इज यू नो जो हम सब सोचते हैं, हम जाते हैं एस्ट्रल, ये एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है एस्ट्रल बॉडी। यू कैन ट्रेवल इन दैट लेयर, दिस लेयर इज बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस, ठीक है। इस लेयर में आपका सबकॉन्शियस लेवल वर्क करता है। एस्ट्रल प्लेन में यू आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन एस्ट्रल प्लेन। यू कैन गो एंड मीट विद एनीवन, डिसीज्ड, लिविंग, ओके, आपके स्पिरिट गाइड, एवरीवन। एस्ट्रल प्लेन में आप किसी से भी मिल सकते हैं। देयर इज अ टेक्निक टू ट्रेवल इन एस्ट्रल प्लेन, तो एस्ट्रल प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल प्लेन, अब इसके बाद हार्ट से ऊपर जो हमारा आ जाता है दैट इज स्पिरिचुअल प्लेन। तो ये जो टेम्पलेट होता है ये ऐसा एक ओरिजिनल टेम्पलेट है कि हमें उसको अचीव करना है, राइट। हम चाहते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ किस लेवल तक जाना चाहते हैं, व्हाट इज असेंशन मींस, हम ग्रो कर रहे हैं तो किस लेवल तक ग्रो करना है। दिस इज दैट टेम्पलेट जो हमें एक भगवान ने ऑलरेडी बनाकर दे रखा है कि दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, this is how you have to behave in the world, this should be all your emotional parameters, this should be your all mental activities, your physical existence should be like this. pura ka pura unhone ek graph bana ke de rakha hota hai. so this is etheric template and this is the outer layer of our aura, theek hai. to ab hame kya karna hai, we have to reach to the outer layer, hame us etheric template usko hame copy karna hai, theek hai. अब हम कहते हैं ना हमें सबसे पहले जैसे हम सीखते हैं हमें शून्य तक जाना है, शून्य से निकल के, पता है एथरिक टेम्पलेट इज दैट पर्टिकुलर स्टेट, शून्य। फिर उसके बाद जो एक टेम्पलेट की भगवान ने, जैसे सपोज आपको एक लेंस मिल गया थ्रू एक आपकी आईज है, या फिर हमने कुछ गॉगल्स लगा रखे होते हैं, यू आर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू दोज विजन्स। तो एथरिक टेम्पलेट इज दैट विजन, इट इज द नेक्स्ट, मतलब आप जब जीरो से हम एग्जिस्ट करते हैं आनस वर्ल्ड में, तो दिस इज द लेंस थ्रू विच वी हैव टू मैनिफेस्ट आवरसेल्फ, ठीक है। एथरिक टेम्पलेट, थ्रू दिस बॉडी वी कैन बी वेरी डायनामिक, एक्सप्रेसिव, पर्पसफुल, हैव स्ट्रेंथ ऑफ विल, बिकॉज ये बॉडी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इट हैज ऑल द पावर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अस टू एग्जिस्ट इन द बेस्ट वे, बेस्ट मैनर इन द वर्ल्ड। Experience life as being a plan of perfect order. ये बहुत important line है. You experience your life as being a plan of perfect order. जो भगवान ने हमारे लिए एक plan किया है ना, एक perfect plan किया है. This is that template. And realize our power of co-creation. Such individuals can surrender to whom they really are and are not shaped according to the societal norms. कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमें weird लगते हैं, जो पूरी societal norms को नहीं follow करते. बट सच, जैसे हम अगर हम ले लेते हैं गौतम बुद्धा, है ना, उन्होंने दे ही नेवर फॉलोड सोसाइटल नॉर्म्स, लेकिन वो किन नॉर्म्स पे उन्होंने अपनी लाइफ बिताई, अपने ही हिसाब से बिताई, और आज हम सब उनको फॉलो करते हैं एक रिलीजन में, बौद्धिक रिलीजन में। उन्होंने अपने ही नॉर्म्स करे ना सेट, ठीक है, उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं फॉलो किए, तो हमने उनका ही एक रिलीजन बना दिया। तो क्यों बनाया, बिकॉज वी सॉ दैट जो उनका लाइफ का पूरा
जीने का तरीका था, हमने उनको एक परफेक्ट टेम्पलेट देख लिया, दैट इज द एथिक टेम्पलेट. उनके पास सारी पास थी, उनके पास मतलब ही वॉज लिविंग द लाइफ इन अ परफेक्ट मैनर. तो वी स्टार्टेड आर लाइफ टू उनको कॉपी करने लगे. ठीक है, ऑलराइट. तो ऐसे लोग जैसे गौतम बुद्ध हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, दे नेवर फॉलोड सोसाइटल नॉर्म्स बट दे हैव देयर ओन लाइफ पाथ्स. एंड व्हाट वी डिड इज हमने उनका एक पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं रिलीजन बना दिया. उस रिलीजन को हम फॉलो करने लगे बिकॉज हम उस एथिक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं. राइट, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, द टेम्पलेट जो हमें लगा कि भगवान ने मतलब दिस इज द परफेक्ट टेम्पलेट, वी शुड फॉलो दैट पर्सन. इन डिसीज व्हेन द एथिक बॉडी बिकम्स डिसफिगर्ड द एथिक टेम्पलेट मस्ट बी रिपेयर्ड. जब हमें कोई भी सपोज कैंसर है, किसी को अगर किसी को भी कैंसर है ना, तो उनको जो एथिक टेम्पलेट है, क्योंकि सब एनर्जी जब कोई भी डिस्टर्ब एनर्जी आती है तो आपके सभी ऑरिक लेवल लेयर से होती हुई आएगी, तो वो आपके एथिक टेम्पलेट को भी डिसफिगर कर देती है. तो सबसे पहले आपका जो एथिक टेम्पलेट है ना, उसको रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब आपका ओरिजिन जिस रूट से आप आ रहे, जो आपको फॉर्म दे रहा है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो धीरे धीरे हर लेयर को ठीक कर देगा. एंड दिस टेम्पलेट इज लिंक्ड विद थ्रोट चक्रा. हार्ट से ऊपर आ गया थ्रोट, थ्रोट चक्रा से कौन सा टेम्पलेट है हमारा, कौन से बॉडी क्लियर है, एथिक टेम्पलेट. तो अब हम कैसे करेंगे इसको हील, यू विल जस्ट विजुअलाइज अ ब्लू कलर बॉडी, एक और एक बॉडी पूरी ब्लू कलर की. आप जैसे थ्रोट चक्र का कलर ब्लू होता है, इंडिगो ब्लू, आप ऐसा उसको विजुअलाइज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में हील किया था. इन द सेम मैनर वी विल हील द एथिक टेम्पलेट. ठीक है, अगर आपके पास सही इंटेंशन होगी कि यू आर हीलिंग द एथिक टेम्पलेट विद द इंटेंशन ऑफ हीलिंग एंड गिविंग द पर्सन द ओरिजिनल टेम्पलेट ऑन विच हिज एग्जिस्टेंस इज, तो उसके जो ओरिजिनल टेम्पलेट है ना, वो हील हो जाएगा. ओके, दिस इज वेरी डीपर हीलिंग, प्लीज आप इसको सीरियसली लीजिएगा. चेतना जी आप दोबारा कर रहे हैं ना इस कोर्स को, तो आप प्लीज इसको ना बहुत डीपली कीजिए, बिकॉज आपका अगर इंटरेस्ट है यू आर, आप अपने पर ही करके देखिएगा, इट विल हैव अ वेरी गुड इफेक्ट. पूनम मैम, पूनम मैम, आर यू देयर विद अस? चलिए, नेक्स्ट इज सेलेस्टियल बॉडी. कम्युनिकेशन विद द स्पिरिचुअल रियल्स अकर्स हियर एज डू फीलिंग्स ऑफ एक्सटेसी एंड अनकंडीशनल लव. ऑरा इज ऑफन अपियरिंग एज ब्राइट शिमरिंग opalescent colors. One becomes more aware of the celestial body as they raise their vibrations, level of awareness and consciousness. देखिए, it is only about जब हम meditation करते हैं और जब हम visualize करते हैं कि we are ascending to the higher levels, और जब हमारी communication higher beings से होने लगती है. This is the realm which is called celestial bodies. As the name states itself, celestial body. Celestial body, आप कभी भी अपनी फिजिकल बॉडी को सेलेस्टियल लेयर में नहीं लेके जा सकते, बिकॉज सेलेस्टियल बॉडी से कम्युनिकेट सिर्फ आपकी सेलेस्टियल बॉडी करेगी. सेलेस्टियल बॉडी इज द योर बॉडी ऑफ लाइट, आत्मिक रूप में होते हैं, आपकी लाइट बॉडी होती है, मींस व्हाइट कलर की बॉडी होती है ओनली. देखो, सेम तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है ना, ह्यूमन बींग अ फिजिकल बॉडी कैन कम्युनिकेट विद द फिजिकल बॉडी, अ मेंटल बॉडी कैन कम्युनिकेट विद द मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी कैन कम्युनिकेट विद द इमोशनल बॉडी. इन अ सिमिलर मैनर सेलेस्टियल बॉडीज किसकी होती है, सिर्फ हायर बींग्स की होती है. और जब भी हम कभी मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो वी ऑल हैव दिस थिंग इन आवर माइंड दैट वी आर कम्युनिकेटिंग विद द सेलेस्टियल बींग्स, चाहे वो एंजल्स होती हैं, चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं. ठीक है, किसी से भी आप बात करें, दे ऑल आर द सेलेस्टियल बींग्स. हु आर द सेलेस्टियल बींग्स, दे आर द बॉडी ऑफ लाइट ऑन द हायर वर्जन, जो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के ही लाइट बींग्स हैं. दे हैव नथिंग टू डू विद द लोअर एनर्जीज, और लोअर एनर्जीज तो उनके आसपास आ भी नहीं सकती हैं, वो रेपल होती है. तो जब हम कॉन्टेक्ट में आते हैं सेलेस्टियल बॉडी के, किसी भी सेलेस्टियल बींग के, तो ऑलरेडी ना हीलिंग होनी शुरू हो जाती है. जो भी आपके पोजेशंस या फिर आपके एलिमेंटल अटैचमेंट्स, थॉट अटैचमेंट्स, कुछ भी होता है ना, वो ऑलरेडी क्लीन होने लगते हैं. ठीक है, तो ये एक क्लीनिंग एजेंट समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. एज यू वर्क फ्रॉम द हार्ट चक्र टू द सिक्स्थ लेवल, फीलिंग्स ऑफ सिक्स्थ लेवल कौन सा आ गया, आग्नेय चक्र. हार्ट चक्र से जब हम आग्नेय चक्र तक काम करते हैं,
ठीक है, फीलिंग्स ऑफ डिवाइन लव क्या होता है, व्हेन यू ट्रेवल लविंग एनर्जी फ्रॉम योर हार्ट चक्र टू द अबव चक्र, धीरे धीरे ट्रेवल होकर पहले थ्रोट चक्र पे आती है, फिर धीरे धीरे वो ट्रेवल होकर आग्नेय चक्र पे आती है. हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द सेलेस्टियल बीइंग्स, बेसिकली हमारी हार्ट चक्र से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अपर लेवल्स पे, लव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज दे ओनली कम्युनिकेट विद द लव एनर्जी, एंड लव एनर्जी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. फीलिंग्स ऑफ डिवाइन लव एंड अ कनेक्शन विद अवर फेलो मैन बिकम रियलिटी. थर्ड आई चक्र इज रिलेटेड टू दिस बॉडी. तो सेलेस्टियल बॉडी भी आपको ऐसी हील करनी है. बाय हीलिंग द सेलेस्टियल बॉडी बेसिकली यू आर डेवलपिंग योर कनेक्शन विद योर हायर बींग्स. आपके लिए जो जो रिकमेंडेड है ऑलरेडी भगवान ने जो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए रिकमेंड कर रखे हैं सेलेस्टियल बींग्स, उनसे कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉजल. सबसे लास्ट आती है आपकी कॉजल बॉडी. कॉजल बॉडी इज द लेयर ऑफ द एनर्जी बियॉन्ड द हायर मेंटल बॉडी एंड इज लिंक्ड टू द थ्रोट चक्र एंड द कॉजल चक्र एट द बैक ऑफ द हेड. आपको याद है जब हमने फर्स्ट बेसिक क्लास के अंदर किया था स्टेलर गेटवे, है ना, ऊपर सबसे ऊपर स्टेलर गेटवे होता है 10th चक्र, राइट. हमने कॉजल चक्र भी किया था ना जो बैक ऑफ द हेड पे होता है. तो ये जो कॉजल चक्र है एक तो बैक ऑफ द हेड से आएगा और एक थ्रोट चक्र से इसका कनेक्शन होगा. अबव आग्नेय चक्र बैक ऑफ द हेड आएगा. दिस इज द डोरवे टू द हायर कॉन्शियसनेस एंड लिंक्स द पर्सनैलिटी टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट. आप 5 तत्वों से बने हैं, उन तत्वों की कॉन्शियसनेस टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली गेट्स कनेक्टेड एट दिस लेवल कॉजल बॉडी and links the personality to the collective consciousness of the planet. The causal body can be seen energetically as the 7 concentric circles of the rainbow light. ठीक है, तो हम अगर हम causal body को imagine करेंगे तो we will imagine 7 concentric circles of the 7 colors. विबग्योर के सारे 7 colors है ना, ऐसे हम causal body को imagine करेंगे. With certain which contain everything that is real and permanent about us, hamari existence, hamare thoughts, hamare emotions, the life which we are living actually is a, ye jo causal body hoti hai is a composition of everything. These shimmering spheres of light reflect the unique spiritual attainment of the soul. Aapki jo bhi soul journey rahi hai jitne bhi janmo tak, jitne bhi janmo se, you are carrying them all in this causal body. Gifts and talents that you have attained in previous lives are sealed into your causal body. अब आप एक हीलर बनना चाहते हैं, आपको मालूम है आपकी ये जर्नी सिर्फ इस जन्म से शुरू नहीं हुई है, आपकी ये जर्नी ना जाने कितने जन्मों से शुरू हो चुकी है. Now if you want to unlock those gifts which you have already attained in your certain lifetime, to work on your causal body consciously. ठीक है, with the intention that all those gifts which are helpful for you in this lifetime get unlocked. आपका अचानक ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और अचानक वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आपका मेडिटेशन में वो चीजें दिखने लगेंगी. तो बेसिकली आप यू आर मोर अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड दे आर मेड अवेलेबल टू यू थ्रू योर सोल व्हेन यू आर रेडी टू यूज देम. रेडी टू यूज देम क्यों, देखिए अगर आपको सपोज कोई नॉलेज मिल रही है बट आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको नॉलेज मिले ना. तो ऑफ कोर्स सोल आपको वही नॉलेज आपको अवेलेबल करेगी जो अभी आप समझ पाएंगे. तो इट इज वेरी असेंशियल एंड नेसेसरी टू रीड बुक्स, रीड ऑकल्ट साइंसेस बुक्स, गो थ्रू योर कोर्सेज सेवरल टाइम्स, प्रैक्टिस देम. आप प्रैक्टिस करेंगे ना एवरी टाइम अ न्यू थिंग विल कम टू योर माइंड, एक नई रेवलेशन होगी. क्या होता है कि देखिए मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, सभी के साथ होता है, कि क्रिस्टल हीलिंग जब हमने स्टार्ट किया था इयर्स बैक, तो जिस हिसाब से पहले मैं क्रिस्टल हीलिंग करती थी और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे क्रिस्टल हीलिंग ने अपने आप को अनफोल्ड किया, पहले फिर मैं बहुत सारी मॉडलिटीज में गई, फिर मैंने उनके अंदर देखी कि क्रिस्टल हीलिंग्स क्या होती है, तो थोड़ा थोड़ा कि सबने उनके क्रिस्टल हीलिंग को किस तरीके से अडॉप्ट कर रखा है, राइट. बट क्रिस्टल हीलिंग तो बहुत बहुत वाइड है. सी आप खुद देख रहे हैं ना, क्रिस्टल हीलिंग अपने आप में एक मोडालिटी है, इतनी बड़ी मोडालिटी है. इफ यू आर फॉलोइंग क्रिस्टल हीलिंग वेरी सीरियसली, यू आर अ परफेक्ट हीलर.
ओके, ये हो गया कॉजल बॉडी। अब आपको सारा हमारा लेयर्स के बारे में सब पता चल गया, राइट? यू हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी ऑरिक लेयर एंड इट इज वेरी असेंशियल इन हीलिंग, क्योंकि किसी की भी हीलिंग करने से पहले पता है कोई टाइम नहीं लगता। आपके माइंड में है ना, आपने फर्स्ट ऑरिक लेयर लिया, आपने क्या किया एथरिक लेयर, इज देयर एनी प्रॉब्लम एथरिक लेयर? यस है प्रॉब्लम, तो चलो फटाफट डियर डाउजर प्लीज हील द एथरिक लेयर। एथरिक लेयर को हील कर रहे, आपको पता है कि रेड कलर की बॉडी आपके सामने आ गई, वो हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है, अपने आप स्टॉप कर देगी। आई हमली इनवोक यू टू रिचार्ज दी एथरिक लेयर, तो एथरिक लेयर हील हो गई। ये करने से बेसिकली आपके चक्रास भी बैलेंस और हील हो जाते हैं, और जब आप चक्रास पे आते हैं ना तो इतनी हीलिंग जरूरी नहीं होती ऑलरेडी, क्योंकि हीलिंग हो चुकी होती है और वो भी एकदम कंप्लीट मैनर के अंदर, क्योंकि हर लेयर अपने आप से एक चक्रास से अटैच्ड है। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे, इफ यू मतलब आप ठीक समझी, जैसे आपने हमें टुकड़ों टुकड़ों में पूरा सब समझाया है, तो एक प्रॉपर हीलिंग जैसे होता है ना कि साथ में हो जाए पूरी, तो उससे क्या होगा, हम वो वीडियो भी कई बार देख के हम उसी चीज को रिव्यू कर सकते हैं, और मतलब ऐसे तो हमें कई सारे वो ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक एक आपको ऑरिक लेयर्स चेक करनी है, और आज मैं आपको बताऊंगी भी कि हीलिंग कैसे करनी है, आज हमारा वही सेशन होगा बेसिकली, तो आप उसमें देखिएगा कि कैसे हीलिंग हो रही है। तो यही प्रोसेस चल रहा है फिलहाल, जो आप प्रैक्टिकली चाह रहे हैं ना, प्रोसेस तो वही चल रहा है कि हमने सारी ऑरिक लेयर्स देखी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इट इज टेकिंग टाइम। यस मैम, अदरवाइज आप अपने आप करेंगे तो वो फटाफट हो जाएगा। हाँ मेरा वही मतलब था कि मैम 15 मिनट या 20 मिनट कितने जो भी मैं कोशिश करती हूँ, है ना, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू मैम, ओके।